Now, hello students, now today we will see the combination of cells. सबसे पहले what we will see series combination. तो series combination में let's consider two cells. दो cell हम लेके चलते हैं same. ये हो गया आपका E1 और E2. E1 और E2. तो how you will write consider two cells. E1 and E2 with internal resistance R1 and R2 respectively. तो ये आपका टर्मिनल हो गया A, ये आपका टर्मिनल हो गया B, ये आपका टर्मिनल हो गया C. Now what we will see, अगर हम इसकी जगह एक सिंपल सा बैटरी लगाना चाहें E और इसका रेजिस्टेंस हो R, तो वी कैन से इट R इक्विवेलेंट, ये A और C, तो व्हाट विल बी दैट, वो क्या होगा. तो यहां पे करंट तो सीरीज में, तो यू नो सेम करंट विल फ्लो. तो लेट्स टेक फर्स्ट VAB, VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1, ओके. एंड VBC व्हाट इट विल बी, E2 माइनस IR2, यह हमें पहले से ही पता है, ओके. तो VAB क्या हो जाएगा आपका, E1 माइनस IR1, एंड VBC क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2. अब अगर हम यहां से देखें इसके लिए, फॉर दिस ओनली, अगर हम बोलें VAC क्या हो जाएगा, E माइनस IR इक्विवेलेंट, क्या E माइनस R इक्विवेलेंट, तो हम यहां से भी हमें VAC निकालना पड़ेगा. तो देखो, जैसे as we know that VAB is equal to तो now we know VAB is equal to क्या होता है आपका, general VA माइनस VB, and ऐसे ही VBC will be VB माइनस VC, ऐसे ही यहां से लिखेंगे ना VAC what will be VA माइनस VC. तो अगर देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, VAB प्लस VBC, ये आपको क्या देगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC. तो VB VB विल गेट कैंसिल आउट, व्हाट यू विल गेट, VA माइनस VC. तो VAC आपको मिल रहा है इन VAB और VBC को ऐड करके, तो हम सिंपली क्या ऐड कर देते हैं. So that means we can write that VAC is equal to VAB plus VBC. अब चलो हम ऐड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है. तो VAC is equal to VAB की जगह क्या है आपका, E1 minus IR1. What you will get, E1 minus IR1 और VBC की जगह, sorry, plus VBC की जगह क्या हो जाएगा, E2 minus IR2. तो आपको क्या मिल जाएगा, E2 minus IR2. तो अब यहां पे देखिए, E1 plus E2, इन दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दैट मीन VAC इज इक्वल टू E1 plus E2, माइनस आई इन दोनों में से कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया, माइनस आई R1 plus R2. ये आपका क्या आया, VAC. ये हमारा क्या आ गया, VAC आ गया. अब यहां से देखिए, VAC this suppose say this is equation number 1, this is equation number 2. So from 1 and not this is not 1, actually this is 1. From 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या मिला, जो E है, E equivalent भी कह सकते हैं आप, E is equal to क्या आ जाएगा, E1 plus E2, that is E is equal to E1 plus E2. And R equivalent is equal to R1 plus R2. ये हमारा series combination के लिए मिल गया. मतलब कि whenever two cells are connected in series, जब भी दो cell आपके series में connect होंगे, तो जो equivalent EMF आएगा, वो सारी EMF का क्या हो जाएगा, sum. और जो equivalent resistance आएगा, वो सारे resistance का क्या हो जाएगा, sum. जैसे कि series में होता था. But एक condition और है that I'll show you. Let me tell you पहले कि अगर ऐसे n number of cells लगे हुए होते हैं, अगर ऐसे
n number of cells, suppose ये मैं हटा दे रहा हूँ, इसी में से ए वन फिर ऐसे एंड सो ऑन, तो ई वन ई टू ई थ्री ई फोर टिल ई एन लगा होता. इन दैट केस इक्विवेलेंट आपका टोटल क्या होता है, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर प्लस सो ऑन टिल ई एन. एंड आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस सो ऑन टिल आर एन. एंड अगर इनका सबका मैग्नीट्यूड बराबर होता तो इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, जिसमें की कंफ्यूजन ना रहे. अगर सबका मैग्नीट्यूड क्या रहता, बराबर रहता, इन दैट केस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता, एन ई, एंड हमारा आर इक्विवेलेंट भी क्या हो जाता, एन आर, एन आर. ओके, बट वी आर एडिंग ओनली व्हेन, सपोज सी, देखिए इसमें करंट इसकी वजह से करंट निकल रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकलता है. बट सपोज ये टर्मिनल ऐसे ना लगा हो करके ऐसे लगा होता, तो अब देखिए इसकी वजह से इधर इधर इधर, बट इसकी वजह से क्या हो गया, इधर हो गया. तो इक्वेशन यहाँ पे, अब ये तो था पहला कंडीशन, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर एंड सो ऑन. तो जब सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, व्हेन सेम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड तो आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर और इसमें समझ में नहीं आया तो जैसे ये कंडीशन मैं ले लेता हूँ, क्या कि सी ये आपका एक था ई वन, ये आपका क्या था ई टू, E1, E2. यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट क्या था, अभी जस्ट किया था लोगों ने E1 plus E2, and R इक्विवेलेंट क्या आया था, R1 plus R2. Suppose if terminals are connected like this, this is the condition E1, E2. This is, if this is the condition, same terminals connected हैं, तो in this case here, E equivalent will be E1 minus E2. But R equivalent will be same, R1 plus R2 in both the cases. तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा कंडीशन. ओके, नाउ वी विल सी पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब हम फिर से लेते हैं दो आपके वो सेल्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है. सपोज ये आपका एक सेल हो गया, यू कैन राइट इट ऑन सेल E1 विद रेजिस्टेंस R1, ओके, ये क्या हो गया आपका सेल E2 विद रेजिस्टेंस R2. अभी आपका टर्मिनल हो गया A, ये आपका टर्मिनल हो गया B. अब सब, अब यहां पे देखो आपका करंट अलग अलग जाएगा ना. सपोज ये आपका I करंट आ रहा है, तो यहां से आपका क्या फ्लो होगा, I1, यहां से क्या फ्लो होगा I2, और ये क्या आपका आएगा I. ओके, तो अब देखिए अगर हम देखें VAB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, एंड VAB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2. अब आप लोग सोचोगे क्यों, क्योंकि ये भी AB टर्मिनल के बीच में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी. यहाँ पे E1 माइनस I R, जो जितना E1 माइनस I1 R1 आएगा उतना ही E2 माइनस I2 R2 आएगा. क्यों, क्योंकि दोनों सेम टर्मिनल्स के बीच में, एंड वी नो दैट सेम टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है. ओके, अब अगर हम देखें यहां से हमें क्या मिला, I1 इज इक्वल टू, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस VAB अपॉन में E1 माइनस VAB अपॉन में R1. समझ में आ गया कैसे, ये आपका I1 R1 इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा, तो E1 माइनस VAB और R1 फिर अपॉन में आ जाएगा. इसी तरीके से आपका I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस VAB अपॉन में R. ओके, अब देखो जंक्शन रूल हमें पता है,
आई इज इक्वल टू वॉट, आई वन प्लस आई टू। अब वही अगर हम इसकी जगह कुछ एक ही सेल लगाना चाहते हैं, दैट इज ई इक्विवेलेंट, पीछे भी सीधी बगल में भी आप लोग ई इक्विवेलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आर का रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, आई करंट आपका फ्लो होता, इसका मतलब दैट मींस आई सॉरी यहाँ पे ये होता ए ये होता बी, ओके, इसका मतलब वी ए बी इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ओके। यहाँ पे वी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो I हमें क्या मिला, I1 की जगह व्हाट वी विल यूज, E1 माइनस VAB अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस VAB अपॉन में R2, ओके, ठीक है। तो अब देखो आई ये आपका आ गया, तो यहां पे आप एलसीएम ले लेंगे, That means I is equal to E1 minus VAB upon में R1 plus E, oh sorry, LCM ले लिया ना हमने, R1 R2, R1 R2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, R2 plus E2 minus VAB, क्या आ जाएगा आपका R1, okay? Now we'll R1 R2 इधर आ जाएगा और ये multiply कर देंगे। That means I R1 R2 is equal to E1 R2 minus VAB minus VAB R2 plus E2 R1 minus VAB R1, okay? इसका मतलब I R1 R2 is equal to E1 R2 plus E2 R1 minus taken common VAB R VAB minus VAB common ले लें, इनफैक्ट minus VAB common ले लिया, तो क्या है आपका R1 plus R2। अब ये टर्म उठा के इधर ले आते हैं और ये वाला टर्म उठा के इधर ले आते हैं, तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, VAB into R1 plus R2 is equal to E1 R2 plus E2 R1 minus I R1 R2। यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये R1 plus R2 आपका इधर आ जाएगा, दैट मींस VAB इज इक्वल टू E1 R2 plus E2 R1 divide by R1 plus R2डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ओके। अब इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, तो हम देखते हैं फिर हमें क्या मिलेगा। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं ये वाला पार्ट, तो यहां से ये पूरा टर्म जो है E1 R2 plus E2 R1 upon में R1 plus R2 इसके बराबर आ जाएगा, इक्विवेलेंट के बराबर। अगेन इसको क्या हम वन नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो, टू, ऑन comparing one and two we get क्या, E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon में R1 plus R2 and R equivalent वही parallel वाला क्या होता है आपका R1 R2 upon में R1 plus R2, तो parallel में आपका ये आ जाएगा E equivalent और R equivalent आपका ये आ जाएगा for parallel combination of the cells।